कैमरामैन चांद नवाब के साथ जीव न्यूज एकरा यूनिवर्सिटी। आप मुझे ये बता दे कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती है? मनी, ओनली मनी कैन गिव मी हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। मैं जब भी यूनिवर्सिटी आता हूँ मैं यहाँ पे एक्साइटेड होता हूँ, यहाँ का प्यारा माहौल देखता हूँ मैं खुद ब खुद एक्साइट हो जाता हूँ। एकरा यूनिवर्सिटी, हाँ एकरा यूनिवर्सिटी, स्पेशल एकरा यूनिवर्सिटी। मीटिंग माई गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? या कौन से, मेल वाले फीमेल वाले? मेल फीमेल दोनों से, लेकिन आई प्रेफर फीमेल्स। ओके सर, भाई ये बता दे कि क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है? सबसे पहले तो आप ये कैमरा पकड़ के आते हैं, ये एक्साइटेड लगती है, एक्साइटेड लगती है। और दूसरा इकरा यूनिवर्सिटी खुद ही हमें क्या बोलते हैं एक्साइट करती है, एक्साइट। ये हमारा थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, उसको तुम हटा देना, ठीक है? ये बताओ एक्साइट का मतलब क्या है? एक्साइट मतलब कि वो मतलब क्या बोलता है अभी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, हमको भूला हुआ। मालिक टेंशन में रहते हैं ना वो, क्योंकि और भी काम है यार, पढ़ाई के अलावा, एक पढ़ाई थोड़ी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल पूछो। मुझे जो सबसे ज्यादा जो एक्साइट करता है, मैं जब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखता हूँ तो उनकी वजह से मैं ज़्यादा एक्साइट होता हूँ कि इंशाल्लाह कि ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं भी इंशाल्लाह इनकी तरह बन बिजनेसमैन बनो। द थिंग साइड मी द मोस्ट इज नेचर। नेचर, मुझे नेचर से बहुत प्यार है, स्पेशली ग्रीनरी। मेरे दोस्त जब वो क्वेटा की चाय पे आते हैं तो वो चाय या आपके दोस्त आपको एक्साइट करती है? ऐसा ही है, दोस्त और फिर चाय, दोस्त और चाय, क्वेटा गेट वाला। कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं, नथिंग। आई एम वेरी, ऐसा क्यों? बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मेरे दोस्त हैं। दोस्त है, सही तो नहीं है कोई भी हो सकता है। ओके, टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें एक्साइट करे, लेकिन एक चीज़ है जो हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देती है, वो है वकील वेब। वकील वेब, सिंधु मूसे वाले के गाने सुन के मैं बहुत, सिर्फ उसके, हाँ सिर्फ उसके। ओके, कड़क चाय और साथ में क्लासिक म्यूजिक ही, इस तरह गुलों में रंग भरे, बादनो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। जबरदस्त। आजकल अगर यंगस्टर को देखा जाए ना, जितने भी यंगस्टर है, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में है, और ख़ासकर अगर मुझे देखा जाए, जो मुझे जो वो कर दी ना खासकर मोटिवेट, वो है नमाज। हाँ, इस तरह तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो एक्साइट करती हैं, बट आजकल जब घर में शादी का जिक्र होता है ना मेरी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है। ओके, शादी के बाद? हाँ, लेकिन घर वालों को मैं शो नहीं कराता, लेकिन दिल में बहुत खुशी होती है। क्लास में लेट आने से, शॉपिंग करने से, सोने से। ओके, आप? मुझे खाने से और सोने से। ओके, वो आपको एक्साइट करती है। ओके, आप को क्या चीज़ एक्साइट करती है? क्लास बंक करने से और यूनिवर्सिटी, अच्छी बात है, बाहर जाने से, कुछ भी इस तरह का आउटिंग। हाँ, आउटिंग। ओके, पढ़ाई बोर करती है? ओके, मुझे खुशी बहुत चीज़ों से मिलती है, लेकिन जो पहले नंबर की चीज़ है ना, वो नमाज है। नमाज है। ये मुझे बता दे कि आपके दोस्तों में दोस्तों को किस चीज़ ज़्यादा खुशी देती है? दोस्तों को तो हमारे बस ये माहौल ज़्यादा खुशी देता है। okay. जो इधर का माहौल है, ये आते भी इस चीज़ों के लिए हैं। ये सर okay. देख ले, इसकी आप देखें, okay. ये पढ़ने वाला है, इसको देखें, ये तो चलो, ये तो मतलब माहौल के लिए, ये तो माहौल के हिसाब से हमारा भी पसंदीदा है। ओके ओके, इनके हिसाब किताब से तो जो है, मैंने बताया कि आपके दोस्त जो है माहौल से खुश होते हैं, माहौल से कि ये सर, ये बस इन्होंने बता दिए, ओके, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बेसिकली ये मरवत है, मरवत हूँ, लेकिन ये तो नहीं है कि मतलब हर बंदे पे दिल जाए। आप लोग अपने दोस्त से एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री करते हैं, इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद सईद है, अली है, मेहदी जान है, उसके बाद हामिद अली जान है सर, उसके बाद। अच्छा, जब मैं अगर मैं कह दूँ, मैं कह दूँ बेवकूफ़, आपको कौन सा दोस्त याद आता है? सबसे मेरे ग्रुप में अच्छा बेवकूफ़ बंदा जो है ना, वो सईद।